हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारीexam.com में, जो कि देता है अपडेट सबसे पहले। पाना हो कोई भी गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की से जुड़ी जानकारी, एक नाम याद कर लीजिए, सरकारीexam.com। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ को लेकर। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ में इस बार हुआ है बड़ा बदलाव। क्या आपके जो कट ऑफ है वो हाई जाएंगे या लो, इसके बारे में हम एक एक जानकारी आपको बताने वाले हैं और साथ में हम अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी दिखाएंगे जो हमारी टीम द्वारा तैयार की गई है, कि इस बार का जो कट ऑफ है वो पिछली बार के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से ज़्यादा जाने वाला है या रहने वाला है उससे कम। तो हमारे इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक हमारे इस वीडियो को देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई तमाम अपडेट पाते रहने के लिए और सबसे तेज पाते रहने के लिए। चलिए ले चलते हैं रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ के कैसा हो सकता है, इस बार लो हो सकता है कि हाई, उसको जानते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और टाइप करना है सरकारीexam.com। आपके सामने स्क्रीन पे जैसी वेबसाइट खोली, वो वेबसाइट आपके जो मोबाइल फ़ोन पे आप खोलते हैं या लैपटॉप पे खोलते हैं तो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ 2022, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपको रेलवे ग्रुप डी कट ऑफ का एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम नीचे आते तो यहाँ पे हमने जो 2018 रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका भी कट ऑफ दिया हुआ है। साथ में हमने एक अलग कट ऑफ भी तैयार किया है आपके आंसर की एनालाइज के द्वारा। साथ में कुछ बच्चों से हमने बात भी की जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर में शामिल हुए थे, एग्ज़ाम दिया उन्होंने। साथ में मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम इस बार दिया था, ठीक है। तो हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि इस बार का जो एग्ज़ाम था वो टफ था। ऐसा मानो कि जैसा कि ALP का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमें बच्चों से जवाब मिले हैं। तो उस बेस पर जो कट ऑफ तैयार किया गया, तो हम आपको बता दें कि इस बार का जो कट ऑफ है वो पिछली बार से काफ़ी कम होने वाला है। काफ़ी सारे बच्चे जो मुझे कमेंट कर रहे थे कि इस बार का जो कट ऑफ है सर वो कम होने वाला है, तो जी हाँ दोस्तों, आप सही बोल रहे थे, इस बार का जो कट ऑफ है वो सच में कम होने वाला है। कितना होने वाला है, हमने एक फिर से एक कट ऑफ तैयार किया है। मैंने पिछली बार जो कट ऑफ बताया वो थोड़ा सा हाई था मेरे अकॉर्डिंग, तो हमने उसको फिर से चेक किया, फिर से उसको हमने एनालाइज किया, तो हमने एक री जो है अपना कट ऑफ तैयार किया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जिसके अकॉर्डिंग इस बार का कट ऑफ होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 2018 में कट ऑफ थे वो काफ़ी हाई गए थे, जैसे कि अजमेर का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 73 गया था, इलाहाबाद का 74 गया था, अहमदाबाद का 71 गया था, बेंगलुरु का 62 गया था, भोपाल का 75 गया था और बिलासपुर का 70, यहीं पे आप गोरखपुर का देख सकते हैं 73, कोलकाता का 80 गया था, पटना का 77 कट ऑफ गया था, रांची का 76। ये है जो 2018 के कट ऑफ है। अब जो इस बार के कट ऑफ होने वाले हैं वो लो होने वाले हैं, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी टफ था, तो जो बच्चे हैं उतना क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी टफ थे, चाहे वो मैथ से ले लेते हैं या रीजनिंग से लेते हैं। अगर आपने 10-15 क्वेश्चन मैथ से लिए हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग से लिए हैं और 10 क्वेश्चन आपका अलग किसी सब्जेक्ट से आपने किए हैं, ऐसे करके अगर आपने 10 क्वेश्चन भी किए हैं तो भी जो बच्चे हैं वो 60 से 70 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाए हैं लगभग, जितने बच्चों से मैंने बात की उसके अकॉर्डिंग थे। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो आपको तो ये आभास हो चुका होगा, आंसर की भी अब आ चुकी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको पता लग गया होगा कि आपको कितने कट ऑफ आपका अकॉर्डिंग जा सकता है, क्या आप ग्रुप डी PET के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं, इतना तो अंदाज़ा लग गया होगा आपको। तो जो हमने कट ऑफ तैयार किया वो ये है कि जो अजमेर का कट ऑफ है वो 50 से 55 के बीच रहने वाला है, इलाहाबाद का जो कट ऑफ है वो 55 से 62 के बीच, अहमदाबाद का आप यहाँ पे देख सकते हैं 50 से 54 के बीच, बेंगलुरु का है 50 से 54 के बीच, भोपाल का जो है 53 से 57 के बीच रहने वाला है, बिलासपुर का 58 से 62 के बीच, वहीं चेन्नई का जो है 50 से 54 के बीच रहने वाला, गोरखपुर का 60 से 65 के बीच रहने वाला है, आप यहीं भी पटना का देख सकते हैं 55 से 60 के बीच रहने वाला है, कोलकाता का 59 से 70 के बीच जो है कट ऑफ रहने वाला है। और साथ में हम आपको यहाँ पर नीचे एक प्रॉपर कट ऑफ हमने बनाया है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और साथ में मार्क्स भी बताया कि कितने क्वालिफिकेशन जो है आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, जो हमने हर वीडियो में बताया, तो यहाँ भी एक बार फिर से दिखा देते हैं कि आपको कितने परसेंट मार्क्स लाने हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं, जो SC कैटेगरी के हैं उनको 30%, ST वालों के लिए 30%, OBC वालों के लिए 30% और EWS वालों के लिए 40% कट जो है मार्क्स लाने बहुत ज़रूरी हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं एक्सपेक्ट
एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ डाली है। जैसे कि यहाँ पे जर्नल का आप देख सकते हैं जो इलाहाबाद जोन का है, तो यहाँ पे जो जर्नल का कट ऑफ होने वाला है वो 57 होने वाला है। ये आपका 50 से 60 के बीच हो सकता है, हमने एवरेज निकाला है 57। तो अगर आपका 57 आ रहा है तो आप पीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब आपको पीटी एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको पीटी के लिए क्वालिफाई कर लेना है और अपने एग्जाम का प्रिपरेशन जो है, जो आपकी रनिंग है, जो दौड़ है, वेट लेके जो दौड़ना है, उसकी तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए काफ़ी तेजी के साथ। अगर आपको लग रहा है कि आपका 57 आ रहा है एवरेज आंसर की के अनुसार, वहीं ओबीसी वालों का 52 है, एससी वालों का 50, एसटी वालों का 45 लगभग हो सकता है जो है ऑफिशियल कट ऑफ के अकॉर्डिंग हमने जो यहाँ पे कट ऑफ तैयार किया है। अगर आपको लगता है ये कट ऑफ इतना जा सकता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये कट ऑफ सच में सही बना है या इससे भी कम जाएगा कट ऑफ इस बार का, ठीक है। तो अहमदाबाद का जो कट ऑफ होने वाला है 54 दे सकते हैं, जनरल वालों के लिए ओबीसी का 50, एससी वालों का 48, एसटी वालों का 43। अगर हम बात करें पटना की, तो यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट है उनको 56 और ओबीसी वालों का 52, एससी वालों का 50 और जो एसटी वाले हैं उनका 44 जा सकता है। यहीं पे आप देख सकते हैं गोरखपुर का जो है वो 60 जाएगा, जो जनरल वालों का है 50 से 60 के बीच रहने वाला है, 50 से 65 के बीच रहने वाला है, हमने एवरेज निकाला है 60, ठीक। तो यहाँ पे 54 ओबीसी का, 51 जो है एससी का और 49 एसटी वालों का, कोलकाता का कट ऑफ है वो हाई जा सकता है, 65 या 70 के बीच में रह सकता है। तो एवरेज जो हमने वो यहाँ पर दे दिया है, ये जो कट ऑफ दिया है हमने एवरेज दिया, ये सारे कट ऑफ आपके जो हैं 50 से 65 70 के बीच में रहने वाले हैं। 70 सिर्फ कोलकाता का है, बाकी जो कट ऑफ है वो 50 से 60 के बीच में ही रहने वाले हैं, जो भी अदर जोन के हैं कहीं की भी ले लीजिए 50 से 60 के बीच में ही आपके कट ऑफ रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा, वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुँचे कि कट ऑफ कितना जा सकता है, और हमें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।